अगर आप लोग सोलो खेलते हो एंड आप परेशान रहते हो क्योंकि कभी हार्ड लॉबी आ रही है, कभी एवरेज लॉबी आ रही है और कभी सुपर सुपर हार्ड लॉबी आ रही है, सो भाई डोंट वरी, सारी की सारी लॉबीज की जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्पेशली जो है सोलो रैंक पुशर्स के लिए होने वाला है, तो वीडियो जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और फिलहाल आप लोग मेरा खुद का स्कोर देख सकते हो यार, मैं जो है ग्रैंड मास्टर के अंदर नहीं हूँ लेकिन इस सीजन में दोबारा से ग्रैंड मास्टर लगा दूंगा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है आप लोग मेरी करेक्टर स्किल देख सकते हो, मैं जो है पैसिव करेक्टर अंदर हाया तो यूज़ करता हूँ, उसके बाद एक्टिव करेक्टर के अंदर तात्सुया एंड लुक्वेटा, फिर लुक्वेटा के बाद जो है नायरी करेक्टर, और पेट के अंदर जो है मैं रॉकी पेट यूज़ करता हूँ, फेल्को पेट मैंने यूज़ करना छोड़ दिया है, और लोडआउट के अंदर जो है मैं लैग पॉकेट यूज़ करता हूँ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा लूट करने में। अब मैं आपको ना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरी ही करेक्टर स्किल यूज़ करो, आप लोग अपनी खुद की भी करेक्टर स्किल यूज़ कर सकते हो, बात सही है, डजेंट मैटर, जस्ट आपको गेम खेलना आना चाहिए उस करेक्टर स्किल से, ठीक है। तो अब आपने करेक्टर स्किल वगैरह सब कुछ लगा लिया, डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिंपल सा गेम को स्टार्ट करना है और जैसा आपका लॉबी आ रहा है उसको गेम खेलना है, और कैसे खेलना है सारी की सारी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा आपको, जो है आज का वीडियो जस्ट एंजॉय करना है और चिल मार के जो है आज का पूरा वीडियो देखो। तो चलो डायरेक्टली गेम की ओर बढ़ते हैं। अब यार मैं जो है ना लॉबी वाला पार्ट शूट करना भूल गया था, उसके लिए सो सॉरी, लेकिन मैं आपको जो है अपने मुंह से बता दूं कि मेरी जो है इस गेम के अंदर एवरेज सी लॉबी आई है, मतलब कि एवरेज सी मेरी लॉबी से क्या मतलब है, जो 50 में से जो है अपने 25 प्लेयर्स वो जो है बिल्कुल ही एवरेज प्लेयर है, और बाकी के जो 25 प्लेयर हैं वो अच्छा खासा खेलने वाले हैं, जिसमें से 10 प्लेयर जो हैं बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रैंक पुशिंग करने का, ठीक है, जो कि आपको रैंक पुश करते हुए दिख जाएंगे, कैंपिंग करते हुए, और रेस्ट स्ट्रैटेजी भी उनका काफ़ी अच्छा होगा। तो हमको इस माइंड सेट से हमें गेम खेलना है कि हमें एंड तक सर्वाइव करना है, और लैंडिंग जो है मेन पोर्शन होता है। मैं जो है इस गेम के अंदर केप टाउन के अंदर लैंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई वो जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा दूर बना था अपनी लाइन से, ठीक है, तो इसी वजह से जस्ट मैं वहाँ पर लैंड कर रहा हूँ ताकि कोई बंदा मेरे को आसपास देखने को मिले ना। आप लोगों को ना बिल्कुल परफेक्टली लैंड करना है, जस्ट आप लोगों को ना ज़्यादा ना जल्दी भी लैंड नहीं करना है और जल्दी लेट भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को जो है 650 मीटर की दूरी के अंदर लैंड करना है, और लैंड करने के बाद जिस भी लोकेशन के अंदर आप लैंड करो वहाँ पर जो है आपको ढंग से लूट करना है, ठीक है। अभी मैं ना यहाँ पे केप टाउन के अंदर कोई बंदा नहीं आया, तो मैं अच्छे से ना यहाँ पे जस्ट प्रॉपर तरीके से अपनी लूट लेने वाला हूँ, एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज, फटाफट से मैं अपनी लूट उठा लेता हूँ। अब बाय एनी चांस अगर आपकी जो है सुपर 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 हार्ड लॉबी आ जाए, जो कि हमारे सीजन के स्टार्टिंग के टाइम पे देखने को हमें मिलती है, और अगर वैसी आपकी लॉबी आ जाए, ठीक है, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली लॉबी जिसके अंदर आप लोग ना सर्वाइव कर सकते हो, ना रश कर सकते हो, ना कैंपिंग कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो भाई उस वाली लॉबी के अंदर ना आपको जो है जोन टू जोन चलना है, ठीक है, ठीक है। अब जस्ट मेरा मुंह से बता रहा हूँ, मैं जो है आपको अगले सीजन खेल के भी दिखा दूंगा वैसे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी लॉबी वैसी आ नहीं रही क्योंकि मेरा रैंक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं जस्ट आपको मुंह से बता रहा हूँ, अगर आपकी बहुत हार्ड लॉबी आती है ना तो जस्ट आपको जो है ना जोन टू जोन चलना है, मतलब जोन के साथ साथ चिपक चिपक के चलना है, ठीक है, ना जोन के अंदर रहना ना जोन के बाहर, ठीक है। तो उससे होगा क्या ना, आपको ना जोन के मतलब बाहर ना बंदे देखने को मिलने ही नहीं वाले, क्योंकि अगर बहुत हार्ड लॉबी होगा तो वो लोग ना पहले ही जोन के अंदर चले जाएंगे और फाइट वगैरह लेंगे, ठीक है, और जो जोन के अंदर भी कैंपिंग कर रहे होंगे वो कैंपिंग वाला लॉबी होता है, तो उसके अंदर हमको क्या करना होता है ना, हमें पहले जोन में जाके बैठना होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ना माइंड सेट होता है, आप लोग धीरे धीरे गेम खेलोगे आपको सारी सारी बातें समझ आने लग जाएंगी, और आप लोग खुद प्रेडिक्ट कर लोगे कि मेरे को इस गेम के अंदर कैसे स्ट्रैटेजी से यूज़ करना है जिससे कि मेरा ये गेम जो है बोया निकले या फिर एटलीस्ट अच्छा खासा प्लस लगे, माइनस ना लगे, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे गेम के अंदर एक्सपीरियंस होगे एंड आप लोग सीखते जाओगे, ठीक है, समझ गया। तो अभी फटाफट से मैं केप टाउन के अंदर ढंग से लूट कर लेता हूँ। एक बात और, आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है जोन के अंदर स्पेंड नहीं करना है। पहले किसी टाइम पे हम लोग जोन के अंदर बैठे रहते थे तो हमें इतना डैमेज नहीं पड़ता था, अभी भी जो है हम थोड़ी देर रहें तो जोन का डैमेज नहीं पड़ता है, लेकिन भाई उसके बाद धीरे 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 करके ना वो जो है ना उसके नंबर बढ़ते जाते हैं एंड भाई बहुत डैमेज पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ना हमने जोन कैंपिंग तो करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांसेस होंगे जिसमें हमारी सुपर हार्ड लॉबी होगी उसके अंदर जो है हमें जोन के साथ साथ चलना है, लेकिन जोन के अंदर कैंपिंग बिल्कुल ही अवॉइड करो भाई, क्योंकि अगर जोन के अंदर फंस गए तो भाई ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। एंड मैं जब भी मेरे पास टोकन होते हैं, ठीक है, तो टोकन से मैं करता क्या हूँ ना, मैं अपनी ग्लोवल की जितनी भी हेल्थ होती है, देखो सामने की साइड में बंदा है, तो अभी ना मैं चाहता तो मैं पीछे से ना उसको डैमेज देता लेकिन ये बंदा जो है अलर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ना पीछे से कोई डैमेज नहीं दिया, मैं शॉर्ट रेंज के अंदर जाके मारूंगा क्योंकि शॉर्ट रेंज के अंदर इसको मारना बहुत आसान होगा। तो भाई इस लड़की को जस्ट मैंने चार से तीन गोली मारी और भाई ये लड़की खत्म, तो इसलिए मैं शॉर्ट रेंज के अंदर गया था, लॉन्ग रेंज के अंदर ये वॉल डाल देती फिर हो सकता था ये शॉर्ट मुझे मार दे, और बंदा यहाँ पे। तो अब देखो आप लोग, जस्ट मेरे ही साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी हो जाता अगर मैं इस बंदे को मार नहीं पाता, तो इसलिए ना भाई आपको देख के रहना पड़ता है। जस्ट ये बंदा दिख गया भाई, काफ़ी ठीक, ऑल राइट, इस बंदे को मैंने सीधा नॉक कर दिया है और स्काइलर यूज़ कर रहा था ये, बहुत ही आराम से उसको मैंने मार दिया जस्ट ट्रोगन की वजह से। ट्रोगन बहुत ही खतरनाक गन है, अगर आपके पास स्किन नहीं भी है तभी भाई बहुत खतरनाक गन चलती है ट्रोगन। आप लोग M10 सब कुछ छोड़ दो, जस्ट ट्रोगन चलाओ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, और XM8 भी काफ़ी अच्छी चलती है विदाउट गन स्किन भी,
जस्ट हल्का सा ड्रैग मारो और हेडशॉट पड़ जाते हैं। एंड आप लोग जो है गन स्किन्स कौन सी यूज कर सकते हो, मतलब सॉरी गन स्किन्स नहीं, कौन सी गन यूज कर सकते हो अगर आपके पास ढंग की स्किन्स भी नहीं है तो भाई आप लोग ना बहुत हाई डैमेज देने वाली गन्स यूज करो। शॉर्ट रेंज को जो है हम ट्रोगन से और बाइजन से कर लेंगे कवर, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर आप लोग जो है ना ड्रैगनोव वाई या फिर सॉरी एसवीडी वाई, अब ड्रैगनोव बोलने की आदत है, आप एसवीडी वाई हो गया, एसकेएस हो गया, वुड पिकर हो गया, ऐसी ऐसी गन यूज कर सकते हो, AC-80 जो भी बहुत खतरनाक गन है, इन सारी गन्स को जो है आप लॉन्ग रेंज के अंदर प्रेफर करो, ठीक है। और अगर आपको ड्रैग मारना काफ़ी अच्छा आता है तो आप लोग एक्समेट हो गया, और एक्समेट हो गया 3 लेवल का स्कार हो गया, AK-47 हो गया, AK-47 मत यूज़ करना यार, विदाउट गन स्किन जो है रिकॉइल मार देगा। तो उससे बड़ी ना आप लोग एक्समेट यूज़ कर लेना जो कि बहुत ही तगड़ा चलता है आज के टाइम पे। एंड अभी ना यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, मैं जस्ट ना आगे की साइड में गया हूँ और क्योंकि एक बंदा ना यहाँ पे गाड़ी चला रहा था और गाड़ी वाले से भाई मेरे को पंगे लेने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों आता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इस बंदे को डैमेज देखे। और अभी इस बंदे को डैमेज देखे ना मैं जस्ट आगे की साइड में भाग रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर रश नहीं मार रहा हूँ, रश मार के मुझे अभी मरना नहीं क्योंकि बंदा आप अलाइव देख ही सकते हो और जोन मेरे पास है नहीं। तो हमें ना कभी भी किसी बंदे से पंगे ले लेते हो बाय एनी चांस गलती से, तो आपको ना उसको मारने के पीछे नहीं लगना है, आपको पहले जोन कवर करना है, जोन को देखते हुए चलना है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि हमें जोन के अंदर फाइट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर जोन के अंदर फंस गए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के, तो इसलिए हमें पहले जोन कवर करना है एंड उसके बाद जो हम आराम से फाइट लेंगे। एंड जस्ट मैं जो है थोड़ा सा आगे की साइड में गया ही था कि यहाँ पे जो है ना भाई बहुत ही खतरनाक वाला फाइट चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदे को मैंने सीधा जो है हेडशॉट मारा और नॉक कर दिया, हर्ष भाई को बहुत ही आराम से इस बंदे को मैंने जो है हेडशॉट मार के नॉक कर दिया भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और बंदे से डैमेज था और इसने अपने आपको हील करना नहीं सही समझा, इसी वजह से ये मर गया, अदरवाइज तो ये मुझे मार ही देता यार। बात तो सही है, क्योंकि इसमें 4 लेवल का वेस्ट भी था और काफ़ी अच्छा खासा मतलब, और 2 लेवल का M10 भी था, तो यहाँ पे 2 लेवल का मैंने जो है M10 उठा लिया है, लेकिन जस्ट मैंने M10 इसी वजह से उठाया क्योंकि यार यहाँ पे ना उसको मैं 3 लेवल का कन्वर्ट करके बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छा गन स्किन्स भी है, ठीक है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्किन्स हो, तो भाई आप लोग ना ट्रोगन को ही चलाना प्रेफर करना क्योंकि ट्रोगन काफ़ी अच्छी गन है यार, लेकिन मेरे पास जब स्किन है तो इसी वजह से मैंने जस्ट M10 को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आगे की साइड में गया, यहाँ पे जो है एक बंदा उसके ऊपर टावर के ऊपर चढ़ा है, उस बंदे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, फटाफट से मैंने वॉल डाला और कोई मेरी वॉल फाड़ ही नहीं सकता क्योंकि नायरी करेक्टर भी है मेरे पास, उसके अलावा मैं जो है वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन खरीदता रहता हूँ जिससे कि ना मतलब वॉल मेरा फटे ही ना बिल्कुल भी। तो आप लॉन्चर से डैमेज देने का ट्राई किया मैंने, लेकिन एक भी डैमेज आया नहीं और नेड अलग फेंक दिया इसने। सो अब जस्ट इसने अपने आपकी मुंडी दिखाई है थोड़ी सी, एंड भाई ये बंदा नेड फेंक रहा है और इस बंदे को मैंने जो है इजी पीजी मार दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, मतलब ये बंदा सोच रहा होगा कहाँ से आया क्या हुआ ही है। इस बंदे को जो है ज्यादा ध्यान दिया नहीं, डेट साइड जो है इजिली पीजिली मर गया। और आप लोग ना इस बंदे को देखो भाई, मैं इस बंदे का ना जो है लूट बॉक्स ढूंढते ढूंढते थक गया था, एट दी एंड जो है इसका लूट बॉक्स मिला और इसके पास जो है 3 लेवल का M10 था। अगर मैं इस बंदे से शॉर्ट रेंज में थोड़ा सा भी लड़ाई करता तो भाई ये बंदा जो है ना मेरा मतलब सच्ची बता रहा हूँ मेरी आत्मा छीन लेता, मतलब यहीं पर मेरा गेम खत्म था, यहीं पर मेरे को लॉबी भेज देता, क्योंकि 3 लेवल का M10 अलग ही लेवल चलता है, 2-1 लेवल का कुछ भी नहीं है, मतलब गन स्किन्स भी कुछ नहीं काम कर पाती भाई, बस ट्रोगन ही खराब आती M10 को 3 लेवल की, अदरवाइज मैं नहीं मार पाता, सच्ची बता रहा हूँ मैं, अगर वो बंदा भी स्प्रे कर रहा होता एग्जैक्ट सेम टाइम पे तो मैं खत्म था, क्या ही बोले। कोई बात नहीं, अभी आप लोग बंदे वगैरह लाइव देख सकते हो, यहाँ पे 8 बंदे लाइव है और होपफुली आप लोगों की भी ऐसी एवरेज सी लॉबी आ रही होगी इस वक्त, लेकिन अगर ऐसी नहीं आ रही है, बहुत हार्ड लॉबी आ रही है, तो जो मैंने आपको कहा कि आप जोन सर्वाइव करते करते चलो भाई, बंदा कहाँ से आ गया एकदम से, मेरे को कोई प्रिडक्शन नहीं था कि बंदा यहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठ कैंपिंग कर रहा होगा, वो तो मेरे हेडफोन पहने हुए थे इस वजह से इस बंदे के मेरे को जो है फुटस्टेप सुनाई दे गए और मैं एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि ये हेडफोन यूज़ नहीं कर रहा, तो आप लोग भी हेडफोन यूज़ करो यार। यार यहाँ पे ना एक और बंदा है, और ज़रूरी नहीं कि आप लोग बहुत महंगे वाले हेडफोन यूज़ करो, हेडफोन से मेरा मतलब है वो ईयरफोन्स, ज़रूरी नहीं है, वो 200-300 रुपये के आपके लोकल शॉप में मिल जाते होंगे, वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अच्छे वाले TWS खरीदने तो वो भी खरीद सकते हो, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे लिंक से जाओगे तो बेनिफिट में रहोगे, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, है ना, तो जाके उसको खरीद सकते हो, 1,800 रुपये के होंगे भाई, 1.5-2 साल आराम से चल जाएंगे बहुत प्यार से, मेरे खुद के TWS को जो है 1.5 साल हो चुका है, 1.5 या 1 साल हो चुका है, अभी तक बहुत प्यारे तरीके से चल रहे हैं, आप लोग लीड का भी यूज़ कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पैसे फूकने, 200-300 फूकोगे 3-4 महीने चल जाएगी बहुत प्यार से और आराम से आप लोग गेम खेल पाओगे। अभी ना मैं यहीं पर बैठ के थोड़ी देर कैंपिंग कर रहा था, और मैं ऐसी जगह कैंपिंग कर रहा था कि पीछे से मेरे को जो खिड़की से कोई मार रहा थे और एकदम से कोई बंदा सीढ़ी से ऊपर चढ़े, तो मुझे जो इसके फुटस्टेप्स सुनाई दे जाए बहुत क्लियरली और मैं एक्टिव हो जाऊं एंड उसको मैं मार दूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के कैंपिंग कर रहा हूँ। जस्ट कैंपिंग करते करते ना यहाँ पे मेरे को एक बंदे के ना बहुत ज़्यादा फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे, मतलब हद से ज़्यादा, इसलिए मैं ना जो है थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं ऐसी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ कि भाई जैसे ही चढ़ेगा आ गया भाई, सीधा हाथी ओरियन बन गए, तो कोई बात नहीं, लेट्स सी
भाई MP40 यूज कर रहा है और यहाँ पे मेरा M10 स्प्रे हो गया था, मतलब काफी ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसे, रिकॉइल हो गया था, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से मैंने हैंडल कर लिया। और यहाँ पे एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स नहीं दे रहे, एक और बंदे के, तो फटाफट से एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ पे वापस जाके बैठ जाते हैं और उस बंदे का जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, अगर वो भी साथ में रश मार देता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बंदे को मारा है तो भाई ज़रूरी नहीं कि वो उसी को आपने मारा हो, एक और बंदा आ सकता है, थर्ड पार्टी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और 100 लोग के अंदर तो हद से ज़्यादा थर्ड पार्टी होता है। लो भाई बंदा नेड़ फेंक रहा है मेरे ऊपर, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं जो है बस यहाँ पर कैंपिंग कर रहा हूँ बैठ के। दिख गया मुझे, सीधा ऊपर आएगा क्या भाई, इसने गलती कर दी, इसने गलती नहीं कर दी, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मेरी फिर रिकॉइल कर गई, कोई बात नहीं। लेकिन एट दी एंड भाई क्राइम भाई को जो है सीधा हेडशॉट पड़ गया, सीधा का सीधा, हालांकि ये तुक्का था लेकिन बहुत मजा आ गया इसको हेडशॉट मार के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके सामने जो है मैंने 7 किल कर दी भाई, एवरेज सा लॉबी भी बोल सकते हो उसको, लेकिन एंड के अंदर एवरेज लॉबी नहीं होता है, काफ़ी हार्ड प्लेयर होता है भाई एंड के अंदर, जो कि आपको दिख ही रहे हैं। अब जो आखिरी के ना 2 बंदे बचे हैं और मेरे पास यहाँ पे पोर्टल है, तो मैं पोर्टल का भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन घर के अंदर वो होगा नहीं, तो थोड़ा नीचे के अंदर लगाना पड़ेगा मैं पोर्टल। सो पोर्टल का भी आप लोग यूज़ करना सीख सकते हो यहाँ पे, पोर्टल का जस्ट मैं इसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो अगर उतर के जोन में जाऊँगा तो भाई हो सकता है मेरा भरता बना दे ये लोग, इसलिए मैं जो है पोर्टल का यूज़ कर रहा हूँ। जब मेरे पे है जो चीज़ें हैं उनका हम लोग अच्छे से यूज़ करेंगे ना। अभी देखो यहाँ पे सामने घर में बंदा है और इसने मेरे को पीछे से डैमेज दिया, किसी ना किसी तरीके से मैंने अपने आपको फटाफट से क्या कहते हैं इसको, मतलब पैक करके हिल करा, लेकिन वो बंदा जो है नीचे कूद गया और नेड़ फेंक रहा है भाई। तो आप लोग खुद देख सकते हो यार, यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर अगर मैं वहाँ से कूदता, पोर्टल का यूज़ नहीं करता, तो मैं अलग ही भरता फ्राई हो जाता मेरा, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से मैं बच गया। तो ज़रूरी नहीं आपके पास ही पोर्टल हो लेकिन जो जो चीज़ें हैं उनका ढंग से यूज़ कर लेना यार, ठीक है, चीज़ों का यूज़ ज़रूर करना। लेकिन तो अभी यहाँ पे मैंने जो है ग्लोबल गलती से यूज़ कर ली थी एंड उसको मैंने हटा दिया, हालांकि गलती से नहीं, नेड़ से बचने के लिए यूज़ करी थी। अब ये बंदा और कुछ फेंक रहा है, यहाँ पे इस बंदे ने ग्लू मेल्टर फेंके लेकिन ग्लू मेल्टर का फ़ायदा है नहीं, और मैं यहाँ पे कूद गया। ऑल राइट भाई, इस बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रे देखे, पूरी M10 की 6 गोलियाँ उतार दी, उसके बाद ये बंदा मरा है। और अभी जो आखिरी बंदा कहाँ पर है मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो जाके फटाफट से ना पहले स्कैनर यूज़ करेंगे, स्कैनर से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बंदा है कहाँ पर। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने स्कैनर तो यूज़ कर दिया है लेकिन बंदा है कहाँ पर ऑलरेडी दिख गया मुझे, बंदा जो है बिल्कुल पीछे की साइड में है, पहले जो है फ्रेंड्स के पीछे है वो, लेकिन शायद फ्रेंड से जो है भाग चुका है शायद, क्योंकि अभी वो फ्रेंड्स के पीछे ना कोई दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा हम नेड फेंकने ट्राई करते हैं, शायद है कि नहीं है मुझे एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है, लेकिन नहीं है भाई वो बंदा, नहीं तो नेड से डैमेज आता या भाग दौड़ता ना, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो शायद वो बंदा ना यहाँ पे ऊपर इस घर के अंदर चढ़ चुका है, ये जो घर है ना बिल्कुल जस्ट बगल में, इस घर के अंदर हो सकता है। अब इसका भी थोड़ा सा कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी नेड फेंक के ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई, ये बंदा इसी के अंदर है, मेरे को फुटस्टेप्स नहीं दे रहे हैं इसके भागने के, ये बंदा इसी के अंदर बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको ना पैक कर देता हूँ मैं, कहीं ना कहीं से जब निकलेगा तो ये वाली खिड़की नहीं करते, ये वाली भी कर देते हैं एंड बाहर वाली भी कर देते हैं। तो ये बंदा निकला, सॉरी निकला नहीं मेरे को, लेकिन लग रहा है कि ये कूदेगा, कूद गया। तो आप लोग ये वाला फाइट देखो यार, इतनी मुश्किलों से बचाऊ ना इस बंदे से, मैं इतनी मुश्किलों से मैं क्या ही बताऊं भाई, मतलब एंड मैंने ये भरता फ्राई कर देता मेरा, दूर पेल देता मुझे, लेकिन ताचियों की वजह से बच गया मैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो ये वाला गेम प्ले मैंने बोया निकाल दिया, सो यहाँ पे मेरा 31 का प्लस हुआ, वो भी 9 किल के साथ। सो इसी तरीके से ना आप लोग भी रैंक पुशिंग कर सकते हो, जाके फटाफट से जो है रैंक पुशिंग स्टार्ट करो, सारी की सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। होप करूंगा आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अब जिन भी मेरे भाई बंधुओं के पास जो है ना कोई भी गन स्किन नहीं है, तो भाई टेंशन मत लो, मैंने जो है विदाउट गन स्किन आप लोग कैसे खेल सकते हो पूरी की पूरी उसकी स्ट्रैटेजी बता रखी है, तो जाके आप लोग ये वाली वीडियो के ऊपर चेक कर सकते हो। और सेकंड चैनल जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्दी वहाँ पे एक स्पेशल गिव अवे काइंड ऑफ होने वाला है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो।